मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है, जहां दोनों आरोपियों ने कोरोना का डर दिखाकर एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर इंजेक्शन लगाने के बहाने एक बगल के ही घर में ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया था, जिसे मरवाही TI सुनील कुर्रे, आरक्षक सतन पुरान जांगड़े और उनकी टीम के द्वारा जगह जगह उनके रिश्तेदार के यहाँ पता साझी कर एवं मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अंततः 12 घंटे के अंदर कोरिया जिले के खंडगढ़वा ब्लॉक के कोड़ा ग्राम में गिरफ्तार किया गया है। अपराध क्रमांक 51/20 धारा 363 376 डी पास को एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मरवाही में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है? मरवाही थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ, दो नाबालिग लड़के जो कि उनके आपस के रिश्तेदारी हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना प्रकाश में आई है और उनके माता की रिपोर्ट पर पीड़िता के अपराध धारा 363, 376 डी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। इसमें मैंने कोरोना का डर दिखा के आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, क्या जानकारी है? जो घटना प्रकाश में आई है उसके अनुसार यही है कि दो आरोपी नाबालिग जो आरोपी हैं, उन्होंने नाबालिग जो पीड़िता है उनको ये बातें कही कि आपको कोरोना हो गया है और उसके लिए हमें सुई लगाने आपको लेके जाना है। इस तरीके की बातें कह के उसको अपने साथ लेके जाने की तरफ पूछा। खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि पीड़िता जो है वो पीड़िता को नाबालिग आरोपी लेके चले गए थे साथ में और उनके घर पे उसका एक छोटा भाई था जिसने इन बातों को देखा था। तो छोटे लड़के के द्वारा जो है उनके माता पिता को इन सभी चीज़ों को बताने के पश्चात जब नाबालिग पीड़िता से इन बातों की तस्दीक की गई तब उस घटना को आरोपियों की क्या स्थिति? वर्तमान में एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक आरोपी